नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेलर जानकारी में। दोस्तों आज आपको पजामे में इलास्टिक कैसे डालते हैं सबसे अलग और आसान तरीका सिखाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आप अनजान से अनजान भाई बहन भी इलास्टिक डाल देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों देखिए, मैंने इसका नेफा यहाँ पर मोड़ लिया, आधा आधा इंच रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने इलास्टिक 27 का लिया दोस्तों, क्योंकि इसकी जो बेल्ट है वो 36 की है। 36 में से चौथा हिस्सा कम कर देते हैं, 9 कम करने पर 27 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर टांके में दबाव आ जाएगा हमारा, 26 का इलास्टिक रह जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर टांका लगा लेना है, देखिए ऐसे। अब दोस्तों इसके चार भाग कर लेने हैं, देखिए ऐसे निशान लगाकर, यानी कि चार ऐसे इसके हो जाएंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो प्लेटा है बिल्कुल एक सार आती है और इलास्टिक बांगा टेढ़ा नहीं होता, यानी कि सीधा डल जाता है। अब ये निशान दोस्तों लग गए हैं, आपको क्या करना है, जो चार निशान लगाए हैं और जो पजामे के भी हमारे चार ही जोड़ है, अब एक जोड़ पर एक निशान को इस प्रकार अटैच करेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर कपड़ा आ जाए, देखिए ज्यादा अंदर बार ना हो, बस इस प्रकार से। अब ये जोड़ लग गया है और दूसरा जोड़ भी इसी प्रकार यहां पर देखिए अटैच कर लेंगे हम। अब ये जोड़ है इसके ऊपर यहां पर रखेंगे और ऐसे। ये तरीका सबसे आसान दोस्तों, अकेला व्यक्ति भी इस तरीके से इलास्टिक डाल देगा। अब सभी जोड़ में लगा लेता हूं। अब दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से जोड़ अटैच हो गए है और देखिए यहां पर इस प्रकार जो प्लेटा है सभी एक साथ आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दो टांके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तीन लगाऊंगा, एक यहाँ पर एक बीच में एक ऊपर कानी पर। ये वाला टांका इलास्टिक के यहाँ पर आना चाहिए, देखिए ऐसे, मतलब अंदाजा हो यहाँ पर आ जाए और नीचे ना उतरे बस। अब ऐसे खींचना आपको, ऊपर टांका लगा लेना है, जितना इलास्टिक खींचा है उतना ही खींच लेना, यानी कि पूरा इलास्टिक को खींच लेना है। अब दोस्तों एक टांका हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा टांका यहां पर बीच में लगाएंगे। अब पूरा इलास्टिक खींचना है। अब दो टांके कंप्लीट हो गए दोस्तों, अब तीसरा टांका देखिए यहां पर ऊपर लगाना है, एक पैर का बीचा छोड़ते हुए। तीनों टांके दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए, ये धागे वगैरह काट लेते हैं। अब दोस्तों देखिए इलास्टिक डल गया है, जो प्लेटा बिल्कुल एक सार आ गई है और इलास्टिक इस तरीके से बांगा टेढ़ा भी नहीं होता। तो देखिए कितना सुंदर हमारा इलास्टिक जो डल गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इलास्टिक डालेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।